हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ खेल तंत्र। मैं हूं पार्थो और आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का नया साइनिंग लालदन मोया के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने लालदन मोया को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो ऐसे में दोस्तों, किस तरह के प्लेयर है लालदन मोया, क्या है उनके पास रिकॉर्ड और मार्केट वैल्यू, चलिए आज इस वीडियो पे जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लालदन मोया 28 वर्ष के एक लेफ्ट विंगर है और अगर आप उनके कैरियर की बात करें तो दिनथर फुटबॉल क्लब से उन्होंने अपने यूथ कैरियर का शुरू किया था। बाद में जाकर आई लीग में उन्होंने आइजोल एफसी, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब जैसे क्लबों की तरफ से फुटबॉल खेले। दोस्तों, 2016-17 सीजन में आइजोल एफसी के साथ उन्होंने आई लीग का खिताब भी जीता था। सो ही नोज व्हाट इट टेक्स टू विन कॉम्पिटिटिव फुटबॉल लीग्स। और यहाँ पे दोस्तों, अगर आप उनके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो भारतीय फुटबॉल टीम के फॉर्मर मैनेजर स्टीफन कॉन्स्टेंटिन ने लालदन मोया को एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल स्क्वाड के लिए चुना था। अगर आप लालदन मोया के प्लेइंग पोजीशन के बारे में बात करें तो लालदन मोया ज्यादातर एज ए लेफ्ट विंगर खेलते हैं, हालांकि वो एज ए राइट विंगर भी खेल सकते हैं और वो विंग पोजीशन में प्राइमरीली फुटबॉल खेलते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग एज ए विंगर, लालदन मोया राइट मिडफील्ड और लेफ्ट मिडफील्ड पोजीशन पर भी खेल सकते हैं। बहुत ही अटैकिंग माइंडसेट के खिलाड़ी है लालदन मोया, बट व्हाट एक्चुअली कीप्स हिम अपार्ट फ्रॉम अदर्स इज हिज एक्सपीरियंस। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्क्वाड में रोचार्ड जेला, ब्रीटो पीएम जैसे प्लेयर मौजूद है जो लगभग सेम ही पोजीशन पर खेलते हैं। लेफ्ट मिडफील्ड और राइट मिडफील्ड पोजीशन पर रोचार्ड जेला और ब्रीटो पीएम जैसे प्लेयर खेलते हैं। लेकिन अगर आप रोचार्ड जेला और ब्रीटो पीएम से लालदन मोया की कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, लालदन मोया जैसे तजुर्बे के खिलाड़ी बहुत कम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्क्वाड में और इसीलिए वो अपकमिंग सीजन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के एक अहम प्लेयर होने वाले हैं। अगर आप लालदन मोया की मार्केट वैल्यू के बारे में बात करें तो 40 लाख के आसपास उनका मार्केट वैल्यू है और कुछ दिन पहले वो एक फ्री एजेंट है, मतलब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने लालदन मोया को साइन करने के लिए कोई भी पैसा वेस्ट नहीं किया था। तो ऐसे में दोस्तों, लालदन मोया अपकमिंग सीजन में नॉर्थ ईस्ट मतलब एफसी की तरफ से कैसे पेश आएंगे वो देखने लायक होगा। लास्ट सीजन हैदराबाद एफसी की तरफ से उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे थे। क्वालिटी के प्लेयर वो जरूर है लेकिन हैदराबाद एफसी के टीम में वो अपनी जगह नहीं बना पाए और इसीलिए दोस्तों उन्होंने अपने क्लब को शिफ्ट करने का फैसला किया था। और अब अपकमिंग सीजन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्क्वाड में क्या उनको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ये अपकमिंग सीजन में देखने लायक होगा। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अलविदा।